तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर 5 नंबर हैं और आज हम देखने जा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है, क्या है जो आप नहीं कर रहे हैं, क्या है जो आपको ज़रूर करना चाहिए और क्या है कमी आपके जीवन में। ठीक है, तो देखेंगे। आपके सामने यहाँ पर 5 नंबर हैं, किसी एक नंबर को चुन लीजिए। अगर आप चाहते हैं एक से ज़्यादा चीज़ें देखना, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सच में एक से ज़्यादा चीज़ों की कमी है। देखिए, इंसान के जीवन में कमी तो रहती ही रहती है, उसे कभी पूरा संतोष होता ही नहीं है। तो ये कहना ही गलत है कि आपके जीवन में कमी है या नहीं है। तो एक नंबर चुनिए और देखते हैं कि सच में हकीकत में आपके जीवन में किस चीज़ की कमी है और क्या चीज़ आप सोच रहे हैं और क्या चीज़ नहीं सोचना चाहिए आपको। ठीक है, 1 2 3 4 5। आज के जो वीडियो, उसका टॉपिक यही है, आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है। कोई एक नंबर चुनिए, जनरल रीडिंग है। अगर आपसे कनेक्ट हो जाती है तो आप फॉलो कीजिए, नहीं होती है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लीजिएगा, हो जाएगी कनेक्ट। कमेंट जरूर किया कीजिए, कमेंट करने से आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी। जनरल रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप इसको एक एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहते हैं, बिल्कुल देखिए, क्योंकि ये एक तरीके की जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। कोई गारंटी आपको नहीं दी जा सकती है। और कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग फेक आईडी, फेक नाम से व्हाट्सअप नंबर शेयर करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, वीडियो में भी मैं एकदम स्टार्टिंग में ही मैं आपके लिए लगा देती हूँ कि आप पढ़ लें कि मैं अपना नंबर कभी शेयर नहीं किया है। तो अगर आपको ऐसा कोई कमेंट मिलता है जिसमें मेरा नंबर है, तो मेरा नंबर नहीं है, फेक नंबर है। ठीक है, अब आगे से हो सकता है शायद मैं ना बताऊं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है ना, ये सारी बातें करते हैं हम स्टार्टिंग में। तो 1 2 3 4 5। और मेरी कोशिश होती है कि जो वीडियो हो वो ज़्यादा से ज़्यादा कम समय का हो, लेकिन आपको बातें अच्छी सी पता चल जाए। आइए देखते हैं अब हम नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड, नंबर थर्ड, नंबर फोर, नंबर फाइव। तो यहाँ आपके सामने 5 नंबर्स हैं। आपने जो नंबर चुना था ये जानने के लिए कि आपके जीवन में किस चीज़ की कमी है, आपको बस उसी नंबर को देखना है। आइए हम स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट से। आइए देखते हैं नंबर फर्स्ट, आपकी लाइफ में किस चीज़ की कमी है और क्या चीज़ है जो आपको ध्यान देना चाहिए। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नहीं किए तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। कमेंट बॉक्स में जो भी मन कहे लिखा ज़रूर कीजिए, इससे क्या होता है, एनर्जी कनेक्ट होती है। नंबर फाइव नहीं, नंबर फर्स्ट। जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में कभी कभी मुझसे कुछ बातें जो होती हैं ना, गलत निकल जाती हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, नंबर फर्स्ट। आइए देखते हैं आपकी लाइफ में किस चीज़ की कमी है। ईट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है नंबर फर्स्ट। आपके लिए थोड़ी सी एक तरीके से एक संकेत आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि अभी आपके लाइफ में जो चीज़ आपको करनी चाहिए आप वो नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को समझिएगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। आप अपने लाइफ में जो जीवन की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बेसिक जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, बेसिक भी कहेंगे उसको और इम्पॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अपना समय कुछ चीज़ों में बर्बाद कर रहे हैं और जो आपको करना चाहिए आप वो नहीं कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आपके जीवन में, आपकी लाइफ में पढ़ाई की बहुत कमी है, कमी हम देख रहे थे ना। तो अब आपके लिए ये तो एडवाइस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से कि कृपा करके पढ़ाई पे ध्यान दें। लाइफ में जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं उनके बारे में सोचें, एक प्लान तैयार करें और उस प्लान से अपने काम को करें, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है, तो ये भी कहेंगे कि आपको जीवन में पैसों की भी दिक्कत है, ठीक है। नौकरी रहेगी तभी तो पैसे आएंगे, तो नौकरी पाने के लिए तो पढ़ाई करनी पड़ती है, बिजनेस करना पड़ता है, ध्यान देना होता है। तो पैसों को कैसे बचाया जाए, पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, इस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा सोचना चाहिए, ना कि फिजूल की चीज़ों में अपना समय बर्बाद करना चाहिए। नंबर फर्स्ट आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, ठीक है। आइए देखते हैं नंबर सेकंड, हमें क्या पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है। नंबर सेकंड, आइए देखते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट किया कीजिए, इससे आपकी एनर्जी इस चैनल से कनेक्ट होगी और जो भी बातें मैं आपको बताती हूँ वो आपकी लाइफ में ज़रूर होंगी। आइए देखते हैं नंबर सेकंड। नंबर सेकंड आपके लाइफ में एट ऑफ कप का कार्ड आया है। आपके लाइफ में अपनेपन की बहुत कमी है, आपके लाइफ में प्यार की बहुत कमी है। आप जिससे भी प्यार करते हैं, जिसको भी अपना बनाते हैं, जिससे भी आप एक अच्छी दोस्ती रखना चाहते हैं, वो व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाता है, वो आपको धोखा दे के चला जाता है, वो झूठा प्यार होता है, एक झूठी दोस्ती होती है। एक सच्चे दोस्त की कमी है,
एक सच्चे प्यार की कमी है, एक ऐसे इंसान की कमी है जिस पे विश्वास करें आप, जिनसे बात करें, अपने दिल की हर एक बात को शेयर करें बिना किसी झिझक के, बिना किसी ये सोचे कि सामने वाले को कैसा लगेगा, आप उसे सब कुछ बातें कर सकें अच्छे से उनसे, ठीक है। तो एक तरीके से एक प्यार की कमी है आपके लाइफ में, प्यार नहीं मिला जीवन में आपको। नंबर सेकेंड, आप बताइए कमेंट करके, आपने जिस चीज़ में भी मतलब अपना समय दिया, मतलब जिस व्यक्ति को भी समय दिया, बदले में वहाँ से सिवाय धोखा, झूठ, फरेब, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिला। तो जीवन में अब तक आपको प्यार नहीं मिला है, ये कमी है आपके जीवन में। ये आप महसूस भी करते होंगे, जब किसी के लिए आप बहुत अच्छा कर देते हैं तो वो इंसान आपके साथ बहुत बुरा कर देता है। तो इस तरीके का है आपकी लाइफ में चीज़ें, ठीक है। आइए देखते हैं नंबर तीन, जिसने भी चुना था ये जानने के लिए कि उनकी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है, तो चलिए जानते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, इससे आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी और जो भी बातें मैं आपको बताती हूँ वो आपकी लाइफ में ज़रूर होंगी। आइए देखते हैं नंबर तीन, आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है। आपकी ज़िंदगी में देखिए कमी तो नहीं दिख रही है, लेकिन कमी के बगैर जीवन की कल्पना तो कोई करता नहीं है, मतलब कमी तो हर इंसान को लगी रहती है। लेकिन यहाँ एक चीज़ दिख रही है कि अगर आप ध्यान दें तो लाइफ में जो भी कुछ आपके पास है, जो भी कुछ आपको ईश्वर ने दिया है, जो भी कुछ आपने अपनी मेहनत से बनाया है, वहाँ कमी नहीं है। लेकिन आप लाइफ में एक चीज़ से हमेशा आपको परेशान करती रही है कि जो चीज़ आप चाहते हैं वो चीज़ आपको जल्दी हासिल क्यों नहीं होती है, उस चीज़ में आपको इतना दिमाग क्यों लगाना पड़ता है, उस चीज़ को लेके आपको इतना परेशान क्यों होना पड़ता है। तो ये एक चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में महसूस करते होंगे कि जो भी चीज़ें आपको मिली हैं ना, बहुत ज़्यादा दुख दे के मिली हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होके मिली हैं। तो ये चीज़ आपको एक लगती है मन में कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। देखिए चीज़ें तो मिल जाती हैं, जो भी आप एक मनोकामना रखते हैं मन में वो इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद आपको ये तकलीफ बहुत चीज़ें देती हैं कि इतना दुख देखने के बाद ये चीज़ आपको क्यों मिलती हैं। बिना दुख देखे भी तो चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन आपके साथ अक्सर ये हुआ है, जो चीज़ें लोगों को बहुत आसानी से मिल जाती हैं आपको तकलीफ़ दे के मिलती हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खलती है अपने जीवन में, ठीक है। आइए देखते हैं नंबर चार, हमें क्या पता चलता है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है। कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और कमेंट किया कीजिए। कमेंट करने से ना एनर्जी कनेक्ट होती है। नंबर चार, आइए देखते हैं आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है। डेथ, रिबर्थ, इसके कई मायने होते हैं, ठीक है। हम कुछ चीज़ों को ही देख रहे थे लेकिन आप में बहुत ज़्यादा गहराई से कार्ड आए हैं। तो आप अपने लाइफ में किसी ऐसे इंसान को बहुत मिस करते हैं जो इस जीवन में आपके साथ अभी नहीं है, ठीक है, उनकी कमी आप महसूस करते हैं। तो ये जीवन का सबसे बड़ा दुख हो सकता है, आपके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं, ठीक है, वो आपके साथ नहीं है, तो इनकी कमी आपको महसूस होती है। एक खालीपन है जीवन में। नंबर चार, आप बहुत खुश होते हैं लेकिन वो एक चीज़ आपको बहुत दुख देती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा दुख है आपके जीवन का, आपके जीवन में ये सबसे बड़ी कमी है, जिसे आप भी जानते हैं कि आप इसको कभी भर नहीं पाएंगे। आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसको आप चाहते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। एक नया जन्म, रीबर्थ, आप चाहते हैं वो चीज़ एकदम से समाप्त होके फिर नए तरीके से आपके सामने आए, कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये देखिए बहुत डिटेल में नहीं चाहेंगे क्योंकि वीडियो हम बहुत डिटेल में देख नहीं रहे थे, लेकिन आपके लिए बहुत डिटेल कार्ड आया गया, ठीक है, नंबर चार। तो ये बहुत बड़ी रीडिंग हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूर बता दूंगी कि आपकी लाइफ में क्या कमी है। तो सबसे बड़ी कमी यही है कि आपके जीवन में कुछ बर्थ, रीबर्थ, मतलब आप चाहते हैं जीवन में एक नई शुरुआत हो जाए, सब कुछ समाप्त हो जाए और एक नई शुरुआत हो जाए, एक इस तरीके का दुख है आपको। और एक दुख तो और है, मतलब सबके साथ सब चीज़ सेम नहीं होगी, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। एक दुख सबसे बड़ा ये भी है कि आपके लाइफ में सब कुछ होते हुए भी एक बहुत ही ज़्यादा खालीपन है, किसी अपने के दूर होने का,
जो आपके जीवन की सबसे बड़ा एक दुख का कारण है और जो आप जानते हैं कि कभी भर नहीं सकता और आप इस तकलीफ़ को अपनी दूर कर भी नहीं सकते क्योंकि ये चीज़ आपको हमेशा खलती है। नंबर 4, ठीक है, ये है आपका कार्ड। लेकिन आपसे मैं यही कहूँगी, देखिए जीवन में हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, सब ईश्वर के हाथ में है। अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत करीब था आपके, आपके पास नहीं है, आपके साथ नहीं है, इस जीवन में नहीं है आपके साथ, कोई बात नहीं, कोई भी यहाँ रहने नहीं आया है, सबको एक ना एक दिन जाना ही जाना है और ये सत्य है, इस पर विश्वास कीजिए। और आने कल तो सबका जीवन समाप्ति ही होने वाला है, तो ये ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप हमेशा सोचेंगे और इस दुख को लेके लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो इस जीवन को जो ईश्वर ने आपको दिया है उसे आप जी नहीं पाएंगे। वैसे जाना तो सबको ही है, आज नहीं तो कल, तो सबको ही जाना है। तो इस बात को सोचें आप थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अगर आप लाइफ में लेके चलेंगे, देखिए चलने हर चीज़ तो इंसान छोड़ नहीं सकता, बना अपने आप को समझा नहीं सकता, लेकिन अगर ये चीज़ आपको हर एक चीज़ में परेशान कर रही है, ठीक है, तो फिर आपको समझना चाहिए इस एक चीज़ को, ठीक है। अब इससे ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि कार्ड्स बहुत डिटेल में आ गए थे आपके लिए। नंबर 4, आइए देखते हैं नंबर 5 हमें क्या पता चलता है कि आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है। नंबर 5, नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है। आपके लाइफ में पैसों की कमी है, आपके लाइफ में आप चाहते हैं बहुत सारा धन। देखिए ये नहीं कहेंगे कि आप बिल्कुल से, मतलब आपके पास पैसे नहीं है खाने पीने को, ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे, आपके पास है, मतलब जितना एक जीवन में इंसान को चाहिए, दो टाइम का खाना, ठीक है, एक सिंपल लाइफ, उतना है। लेकिन आपकी जो इच्छाएं हैं ना वो बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी, मतलब आपको चाहिए, मतलब कि, मतलब जो मैं चाहूँ वो मैं ले सकूँ, जिस चीज़ पे हाथ रख दूँ वो मैं खरीद सकूँ, ऐसे वाले विचार हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि पैसों की मेरे पास बहुत कमी है, हर वक्त आप पैसों के बारे में ही सोचते रहते हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखिए अच्छी बात भी है, क्योंकि आप अगर सोचेंगे नहीं तो आप उस चीज़ के लिए काम करेंगे नहीं। अगर आप सोचते हैं पैसों के बारे में तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप प्रयास करेंगे फिर पैसों को लेने की, मतलब लेने की नहीं, मतलब कमाने की, किस तरीके से पैसों को कमाया जाए, बढ़ाया जाए, बचत की जाए, आप कंजूस भी होंगे, ठीक है। नंबर 5 ये भी दिख रहा है, आपके जीवन में आपको पैसों की कमी महसूस होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो, ये टॉपिक बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके, अगर आपके भी मन में कोई ऐसी टॉपिक चल रही है जिस पर वीडियो नहीं बनी है तो, ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।